चोट लग जाएगी बेटा। रूहान पागल हो गए क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, मेरी गजल मुझे छोड़ के जा रही है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा मैं। संभालो अपने आप को। चले जाइए आप यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, चले जाइए। रूहान रुक जाओ, यकीन करो गजल कहीं नहीं जाएगी। बस मुझे नहीं चाहिए किसी की तसल्ली, ये सब दुआ भाभी की वजह से हो रहा है, वो मुझे बर्बाद करना चाहती है, उन्हीं की वजह से आज गजल घर छोड़ के जा रही है। मैं दुआ भाभी को कितना भोला समझता था, लेकिन वो तो नागिन निकली नागिन। रूहान ज़बान संभाल के बात करो, तुम कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी भाभी को नागिन कह रहे हो? ये मोहब्बत नहीं है, जवानी का नशा है, जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतरता है बेटा। मुझे आपने अपनी तरह समझा है। आप किधर है? नहीं हूं मैं कि वफादारी का डोर किसी और के साथ बांधो, निकाह किसी और के साथ कर लू। लॉयल बंदा हूं मैं, जिससे प्यार करता हूं ना उसी से निकाह करूंगा। होश में तो हो, किससे बात कर रहे हो? जाइए अब वो अपना काम कीजिए। संभालिए अपने आप को। रूहान अपने होश में नहीं है। पूरी तरीके से होश में हूं मैं, और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। संभालिए अब्बू को, जो खुद भटके हुए होते हैं ना उन्हें दूसरों को रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अब्बू से बात करने की? क्या गलत कहा मैंने? पहले बड़ी अम्मी से निकाह किया, उसके बाद मेरी अम्मी से निकाह करके उनको इस घर में लेकर आकर और बड़ी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहां खड़े होके मुझे मोहब्बत पे लेक्चर दे रहे हैं। रोहन, अरे कुछ हाथ उठाने से पहले इनसे अपनी अम्मी के हिसाब लेकर आओ। तू अपनी अम्मी की खुशियों का हिसाब लेकर आ, और मैं अपने अम्मी के दुख इकट्ठा करता हूं। शायद तू ये भूल रहा है कि जिन पे ये सवाल उठा रहा है ना, उन्हीं ने तुम्हें दुनिया दिखाई है। मानता हूं कि मेरी अम्मी की जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफें आई हैं, लेकिन जो खुशियां तुम्हारी अम्मी के दामन में रखी है मेरे अबू ने, उसका क्या? मुझे और कायनात को एक बाप का साया नहीं मिल पाया, लेकिन तुझे और नूर को जो कंधे में उठा के मेले तक लेके गए, उसका क्या? मेरे और कायनात के हिस्से की खुशी तुझे, नूर और तुम्हारी अम्मी को दे दे, उसका क्या? अगर किसी को नाराज होने का हक है वो तुझे और नूर को नहीं, मुझे, कायनात और मेरी अम्मी को है। और जिस शख्स ने तुझे बोलना सिखाया उसी से तू जुबान लड़ा रहा है। बहुत खूब हैदर भाई, बहुत खूब। आज तक आपके मुंह से अब्बू के लिए मोहब्बत का एक लफ्ज नहीं निकला। अरे वो सब तो छोड़ो, आज तक आपके मुंह से अब्बू तक नहीं निकला। आज बड़ा प्यार आ रहा है अब्बू पे। आपको सच में अब्बू के लिए बुरा लग रहा है या दुआ भाभी पर उंगली उठाने का गुस्सा उतार रहे हैं मुझ पे?